परेशान किए काफी लोगों को, कभी किसी को नंबर से फोन करके परेशान किए हो? श्वेता को नेवर। कितना बार? चैलेंजिंग गेम खेलने जा रहे हैं। नेवर हैव आई एवर। तो इस गेम में एक आई हैव का और एक नेवर का दिखाओ यार। नेवर आई हैव। तो जो कांड किया रहेगा वो आई हैव दिखाएगा, जो कांड नहीं किया रहेगा वो नेवर दिखाएगा। तो आज हम लोग तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट द गेम। तो मेरे पास बॉल नहीं था, तो इसका लंच बॉक्स उठा के लाए। तो इसमें है चीट हम लोग का और ये मेरा है। चीट, चीट। तो लेकिन कौन बनेगा करोड़पति? ना बना चलते हैं। करोड़पति क्या बनेंगे भाई? आपने से उठाई है, लगता है सही उठाई होगी। तो चलिए, कभी किसी को रॉन्ग नंबर से फोन का क्या लिख दिए? फोन कर दिए, परेशान किया है कोई? नेवर। क्या परेशान किए काफी लोगों को? कभी किसी को नंबर से फोन करके परेशान किए हो? श्वेता को नेवर। कितना बार? कितना परेशान हो गए समझ जाते थे कि हम ये थे, फिर कर देते मतलब कॉल करके नहीं व्हाट्सएप मैसेज कर, बहुत नंबर बनाए, चेक नंबर बना बनाए। तो अब दिस दूसरा चीट है, ये मतलब दूसरा नहीं है, दूसरा ही है। ध्यान से सुन लो सब क्वेश्चन, ठीक है? कभी किसी को धोखा दिए हो? कभी भाई को धोखा दिए हो? ये तो नहीं, सब चीट मत करो। तू तो धोखा दिया होगा किसी को, हम नहीं दिया। देखो पहले बता दे रहे हैं किसी को चीटिंग नहीं करना। हां मैं चीटिंग वाले का धंधे नहीं करते हैं। हां मैं इतना मासूम, धोखा सब हमको दे के चली गई, लेकिन हम किसी को धोखा नहीं कौन दे के चली गई? अच्छा यस 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 सब तो बहुत है। स्कूल का कोई क्रश? हां मेरा है एक क्रश, यस आई हैव। बस क्रश क्या बोलते हैं, हमको पता नहीं है क्रश क्या होता है। कौन है कौन सी मतलब बहुत स्कूल का है, क्रॉस बोलते हैं या फ्रेंड बोलते हैं पता नहीं, बट वो भी ऐसे थी सुषमा। नाम बता रहे थी ना कोई? हां तुम्हारी कौन थी? नहीं बट तो आई हैव का फाइल था कि मार दूंगा। अरे इसका क्रॉस तो यही है ना। कौन? हाय कौन कौन हाय की? हां मतलब स्कूल टाइम का बात कर रहे हैं ना। स्कूल से तो अभी तक वही है ना। नहीं बहुत मतलब स्कूल नहीं था, और साल हो गया। बता बता दो दी हाय। तो कौन? हम ही तो ये हाय, हम लोग ही तो ये दिए आई है, यानी तो यानी थी। हां इसके मतलब यही ना होगा? तो ये तो वही एक था लड़का, बस मतलब कि बताओ। नहीं नहीं पूरा डिक्लेरेशन नहीं, हम लोग से पूछी हो, हम लोग से पूछी हो कौन, तो हम लोग बताए ना इसके मतलब तो यही ना होगा थी आई एम के मतलब। हाँ सही बात, सुनो तो बता रहे हैं। मैंने एस्टिमेट मिशन में था, तो जब मैसेज करते थे तो हम एक ही वैसे पढ़ते थे, तो सुनते अच्छा लगता था और कुछ नहीं। वैसे तो मैं अच्छा बहुत लगती है, पता नहीं कि बेस्ट एक थोड़ा अलग रहता। जितना मैं क्लासमेट की सब जगह बैठ के उसका लाइक को फ्लो करता हूं। फ्लाइट में भाई हम नहीं गए, नहीं बस हेलो आप लोगों के पास तीन नंबर में किस्मत फूटा है, तीनों की किस्मत हम उठा नहीं पा रहे। लो हम अरे कितना सारा बना के रखते हैं, बहुत सब कल नहीं पहले तुम मेरे पैर पर से हटाओ। कभी किसी को डेट पर ले गए? ये किस्मत क्या हमारा भाई, हमारा नहीं है किस्मत, इसके लिए मारनी चाहिए आई। आई हैव नो मनी, सब निकाली बेटा है। आई जस्ट वी हैव नो मनी, वी आर वीगन। वी आर वीगन, आई एम वीगन। माय नेक्स्ट चीट, चीट नेक्स्ट चीट। किसी को पब्लिक में थप्पड़ मारे हो? मजबूरी की लड़के अलग क्यों थे, किसी को किसी को मारे हैं पब्लिक में तो बड़े ही मार रहे हैं, थप्पड़ तो किसी लड़के को किए। मेरा आई है किसको मारे?
हम तो एक चुटिया के मारे थे अपने भाइयों को मारे ना हमें वो गए थे मैं दिला दिया था किसी चीज के लिए किसी मारे थे था अपना पर्सनल मैटर दो से आके मार्केटिंग में धरा गया था मार्केटिंग हम खेलते खेलते वैसा ही तो बना था पता छोड़ो तो इसीलिए तो खेल रहे हैं ना ये सब जाने आप जाने इतना जाने कर रहे हैं आपका मैटर पब्लिक हो जाएगा तो ऐसे भी दिखाने पे जाने जा रहा है कि पीटर तो किसको पीटर थे क्यों पीटर थे ये जाना जरूरी है किसी को परेशान करते थे लेकिन ना मैं फेक आईडी एक गर्ल्स के नाम से जो की ऐसे बहुत लोगों को पता है ये मेरा ही आईडी है और काफी बनाया है उससे सब कॉल भी खुलता है गाइज ये नेक्स्ट है स्कूल में किसी का लंच चोरी करके खाए अरे भाई हम तो पहले बताए थे काफी सही लड़की है नहीं हम तो पता है लंच मिलाती थी तो मतलब उन लोग का गायब हो जाता था सबसे अच्छा हम देखिए पापा से कभी पीते हो अभी नहीं बच्चा थे तब पिटाते थे पापा कभी नहीं थप्पड़ भी नहीं चलाया पापा मत बोलो क्योंकि हम कभी घर पे रहे ही नहीं बचपन से नानी के यहाँ पले बड़े हैं तो पापा का यानी कि ना आप पिटाए ना हम पिटाए यही पिटाए हम किसी को पिटाए बताओ हम बच्चा में सब बहुत गलती करता है बहुत किसी से प्यार क्या है किसी से प्यार बताना जरूरी नहीं है लेकिन बताना जरूरी लेकिन नाम जरूरी नहीं I have लड़का यार क्या बोला तूने क्योंकि आज से मतलब आज तो सभी का आजकल डिजिटल जमाना भाई मुझे मारो भाई बताइए लड़का या लड़की नहीं आज का सभी पोस्ट लड़की होगी ना लड़का नहीं आज का बहुत आज का सभी कोर्ट भी आदेश दे दिया है अरे वैसा टाइप का वो अलग अलग एरिया में होता है कुछ लोग क्या तू भी यार बेइज्जती कर रहा है कभी किसी के गाड़ी को ठोकूं गाड़ी को मैं नहीं मैं तो कभी नहीं ठोका मैं गाड़ी को मुझे याद नहीं आ रही किसी के गाड़ी को नहीं ठोका एक बार मुझे तो आज तक कभी किसी को नहीं ठोके हो गाड़ी चलाई कब है जब ठोकेगी और गज्जब आ रहा है झूठ बोल रही है मतलब चलाई है तीन चार हम गाड़ी से गिर गए लेकिन ठोके चाहे ठोकाए नहीं हम ना गिरे ना ठोकाए हम बताए हम एक बार गिरे थे फर्स्ट बार बाइक से स्कूल में कभी पीटे हो स्कूल में हाँ स्कूल में तो पीटे हैं लेकिन बता दे हम किससे पीटे हैं अरे नेवर दिखा रहे सॉरी सॉरी आई हाँ किससे पीटे हैं आपने नाना जी से पीटे हमारे नाना जी भी स्कूल में रहते थे तो मास्टर से ज्यादा मैं नाना जी पीटते थे नहीं हमने पीटे अभी तक स्कूल में तुम पीटे अपने हम नहीं पीटे हैं वो भी कब है स्कूल कोचिंग टाइम 5-6 में रहते थे तब कौन है ट्यूशन में बहुत पीटे क्योंकि एक प्राची के चलते पीछे
हम पहले पढ़ते थे ना उधर टैगोर पब्लिक स्कूल में, उसमें हम एक सर देते थे यादगार करने के लिए, उनका भी नाम याद करते थे, एक उसमें के प्रिंसिपल थे गुड्डू सर, बहुत मोटे थे। किसी को ऑर्गन डोनेट करने का सोचे भाई? पहला बात तो हम बताते हैं कि डोनेट डोनेट हम इसलिए नहीं सोचे हैं क्योंकि आज का डोनेट करने के बाद भी ना सही आदमी के पास जाता है मूवी दिखता है। भाई तुम बहुत निम्न आदमी हो। लेकिन आज कल क्या होता है कि रिलेटिव मैंने देखा है तो डोनेट करने के ठीक है खुद डोनेट कर दो, नहीं खुद डोनेट कर दो लेकिन वो डोनेट नहीं होता है, रुपया से बेचा जाता है। चश्मा वाला खाना खाए उल्टा किस्मत फाइव स्टार होटल में हम खाए होटल का ही नाम था हमारे गांव में एक है उसी का नाम था फाइव स्टार होटल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार उसमें खाना खाया फाइव स्टार होटल है तो वो भी तो फाइव स्टार होटल में रुका हुआ था, तुम खाए उसे गए थे चाय पिए थे समोसा खाए थे। हाँ तो रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया घर से कभी कुछ चोरी? घर से कभी कुछ चोरी घर से बचपन में घर से हाँ बहुत सारे हम कभी घर से अपना कुछ नहीं चोरा। तो बताइए आपने क्या चोरी किया? घर से कोई चीज मतलब हाँ तो बचपन का कोई भी बताओ आने पीने वाला ही हो गया कुछ भी। तो हम लोग की कहानी है जब हम लोग घर पे घर घर खेलते थे या फिर पिकनिक पिकनिक करते थे तो मम्मी से नई जो चीज मिलता था वो चीज चोरी हो जाता था घर से। इसमें सॉरी इसमें खत्म है बड़ी इंटरेस्टेड है। अरे ये बोला स्कूल में कोई मुर्गा बना है? मुर्गा नहीं भाई इसकी ओर में इसकी ओर में हाँ तीसरा क्लास में दूसरा क्लास में जब हम बढ़ते थे केदारनाथ शर्मा नाम का उनका हमको अब मुर्गा में किसने बताया हमको याद है वो पहले बनता था पुस्तकालय मंत्री गृह मंत्री वगैरह वगैरह तो हमको पुस्तकालय मंत्री बनाया गया था तो हम बोले नहीं हमको शिक्षा मंत्री बनाया जाए जबरदस्ती उसका बैच लेके बचपना था छीन लिए थे तो इसलिए सर मुर्गा मंत्री। तो गाइज हम लोग का ये चाइनीजिंग वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग को क्या बोलते हैं उसको अच्छा लगा हो मतलब इंटरेस्ट आया हो मजा आया हो और आप लोग में से जो भी देखे और जो सब्सक्राइब और लाइक किए होंगे आइए अब लिख दीजिएगा कमेंट में जिनको अच्छा नहीं लगा आई नेवर विल लिख दीजिएगा कोई नहीं करेगा कोई भी गलत नहीं होगा नेवर विल लिख सकते हैं। क्या हाल कर दिया कुछ खाना इस पर नमक रख कैसे इसे खाना नमक खाने के लिए।